सर, बातचीत में आपने कहा था कि स्तनपान कराने से बच्चों की बहुत सारी बीमारी से बचाव होता है और वही हमारा टीकाकरण का लसीकरण का उद्देश्य होता है। तो इस तरह से माना जाता है कि जो स्तनपान है माँ का दूध वो पहला टीका होता है, फर्स्ट इम्यूनाइजेशन। कैसे? इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा कि डिलीवरी के कुछ समय के बाद ही, कुछ चंद घंटों के अंदर ही माँ को दूध आना शुरू हो जाता है और वो शुरुआत का जो दूध रहता है वो हल्का सा पीले रंग का रहता है, जिसको हम कोलोस्टियम बोलते हैं। इसको हमारी लैंग्वेज के अंदर हम फर्स्ट इम्यूनाइजेशन डोज भी बोलते हैं। इसका कारण ये है कि ये कोलोस्टियम जो शुरुआत के दूध के अंदर आता है, इसके अंदर बहुत सारी कुछ एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन्स और बहुत सारी कुछ प्रतिकारात्मक शक्तियाँ ऐसी रहती है कि जो बालक के हेल्थ के लिए बहुत उपयुक्त है। इससे बालक का तो डेवलपमेंट होता ही होता है, लेकिन बहुत सारी बीमारियां जो है उससे भी उसमें बचाव होता है, जैसे कि नाक कान गले की कुछ बीमारी है, एलर्जी है, कुछ फेफड़ों की बीमारियां है, स्किन से संबंधित कुछ बीमारियां हैं, निमोनिया है, और यहाँ तक कि मैं तो बोलना चाहूँगा कि बड़े होने के बाद में कुछ डायबिटीज जैसी बीमारियाँ हैं, ये भी जिन बच्चों ने स्तनपान शुरुआत में किया है उसको रोक सकते हैं।